Please subscribe and press the bell icon for more videos. नमस्कार, लाइफ चेंजर्स चैनल को मेरा सशत नमन, सशत प्रणाम। लाइफ चेंजर्स चैनल ने मौका दिया कि मोटिवेशन के लिए मेरे जैसा साधारण आदमी, आम आदमी कुछ बोले। अब मेरे जैसा साधारण आदमी, आम आदमी मोटिवेशन पे क्या बोलेगा, क्या किसी को प्रेरणा देगा, यह सोचकर मैं स्वयं अचंभित हो गया। और मुझे लगा कि हाँ, मैं इतना बड़ा महान तो आदमी नहीं कि मैं किसी को प्रेरणा के लिए कुछ दो शब्द बोल सकूं। आज इस अवसर पर जब मुझे मौका दिया है तो मैं एक छोटी सी मेरी बात साझा करना चाहता हूँ। शायद यह बात किसी के लिए प्रेरणादायक बन जावे। मेरा तो ये मानना है कि हमारे बोलने से देश में प्रेरणा आवे या नहीं आवे, हमारे बहुत ज़्यादा समाज में प्रेरणा आवे या नहीं आवे, परंतु हमारे परिवार में, हमारे आसपास के परिजनों में, वही लोग, उसमें से कोई एक भी आदमी उस प्रेरणा को ले लेवे, उससे सीख ले लेवे, तो बहुत बड़ी बात है। मैं बचपन में बहुत कमज़ोर था, मेरे वाणी में बहुत दोष था, मुझे नाम बोलने को भी समय लगता था, मेरी बहुत हंसी उड़ती थी और मेरा मन, जैसी जैसी हंसी उड़ती गई वैसा वैसा मेरा मन और प्रबल होता गया। कॉलेज में गया, डिबेट कंपटीशन में भाग लिया। जब मेरा नाम पुकारा गया तो उस परिसर में हंसी का फव्वारा छोड़ गया, क्योंकि स्वाभाविक बात थी। वो तो जिस आदमी को नाम लेने को समय लगता है, वो आदमी भाषण देने जा रहा है, माइक पे जा रहा है, स्टेज पे जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। उस समय मैंने 4 मिनट या 3 मिनट का समय था, मैंने बोल दिया और उस जोश में बोला कि कितनी बार तालियां बजी उसका मैं आपको बता नहीं सकता, और प्रथम पुरस्कार मिल पाया। तब से मेरा सिलसिला अविरत चालू रहा। कॉलेज में मैं जब तक पढ़ाई करते रहा, 1-2-3 में से कोई भी एक क्रमांक मैंने पाया ही है। हिम्मत बढ़ी, लिखने की प्रेरणा बढ़ी और आज मैं मेरी कविताओं की प्रस्तुति करता हूँ। मेरा ये तो बोलना नहीं है कि मेरा दोष पूरा निकल गया, आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कसर है। उस बात को स्वीकारने में मुझे किसी भी प्रकार का संकोच भी नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि मैंने मेरे अंतर मन से प्रेरणा लिया, मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं दिया। स्वाभाविक है, माँ बाप का दिल दुखता था, उन्होंने जो इलाज कराना था मेरे लिए इलाज भी करवाया, परंतु मेरे अंतर मन ने एक आवाज दी कि नहीं सतीश, तू ये कर सकता है, और मैंने वो अचीवमेंट पूरा किया है। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे पास किसी से ले वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेरणा तो आदमी किससे भी ले सकता है, परंतु अपने अंतर्मन से जो आदमी प्रेरणा लेता है, जिसके खुद के हौसले बुलंद रहते हैं, वो आदमी निश्चित रूप से एक मुकाम पाता है, या ऐसा मेरा मानना है। अब मेरे इस संदेश से मैं नहीं मानता कि कोई ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल संदेश है, मैं तो मेरी एक जनरल बात साझा कर रहा हूँ। शायद कोई एक भी आदमी इसको अमल में ले लेके आवे तो मैं समझूंगा मेरा बोलना सार्थक हो गया। तो 2 पंक्तियां आखिरी में समर्पित करना चाहता हूँ। हौसले बुलंद हो तो मुश्किलें हो जाती आसान, हौसले बुलंद हो तो मुश्किलें हो जाती आसान, साथ देता उन्हें ईश्वर जो ढूंढते हर मुश्किल में समाधान, जो ढूंढते हर मुश्किल में समाधान। तो मित्रों, दोस्तों, पुनः आपको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को और स्वाति जी जसलमेरिया, जिनके माध्यम से मुझे यहाँ प्रस्तुति देने का
मौका मिला, बोलने का मौका मिला, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वाति जी को भी, चैनल के संस्थापक को भी, और आप सुनने वालों को भी जो मुझ जैसे साधारण आम आदमी की बात सुनोगे, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार।